स्वागत है, देखते हैं आज की बड़ी खबर। परिजनों की गुहार, जिंदा न सही तो मुर्दा ही लौटा दो मेरे लाल को। मऊ, जिंदा तो नहीं मुर्दा ही लौटा दो मेरे लाल को। कुछ साल पहले कमाने के लिए विदेश गए एक युवक का परिवार सरकार से उसकी लाश लौटाने की गुहार लगा रहा है। युवक के जीते जी उसने कई कोशिशें की कि वो भारत सरकार तक अपनी बात पहुंचाकर जिंदा अपने वतन लौट सके, लेकिन वह इसमें कामयाब नहीं हो सका। आखिरकार शुक्रवार को सऊदी में ही युवक की मौत हो गई। मामला जिले के मधुबन थाना क्षेत्र के चकाउद गांव का है। यहां रहने वाला मोहम्मद इफरान 2 साल पहले कमाने के लिए सऊदी गया था। वहां नौकरी के दौरान उसे चोट लग गई, जिसमें उसकी किडनी खराब हो गई। इफरान पिछले 8 महीनों से वॉइस रिकॉर्डिंग के जरिए भारत सरकार तक अपनी आवाज पहुँचाने की कोशिश कर रहा था। उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग वायरल भी हुई थी, लेकिन साथ ही लोकल मीडिया में इसे जगह भी मिली, पर किसी भी तरह उसकी आवाज सरकार तक नहीं पहुंच सकी। आखिरकार शुक्रवार को सऊदी में ही उसने दम तोड़ दिया। इसके बाद मृतक के चाचा इसरार अहमद ने बताया कि सरकार से उसकी उम्मीदें टूट चुकी है, इसलिए वह मीडिया की शरण में आकर गुहार लगा रहे हैं। उनके बेटे के शव को ही वतन वापस मंगा दे ताकि परिजन उसका अंतिम संस्कार कर सके। पीड़ित परिजनों ने पिछले 8 महीनों से विदेश मंत्रालय से लेकर मुख्यमंत्री तक को कई पत्र लिखे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब तो उनके मुंह से एक ही बात निकल रही है, जिंदा ना सही मुर्दा ही लौटा दो मेरे लाल को। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज़ लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।